गुड आफ्टरनून ऑपरेटर, मैं अपनी कैंडी बनाने की मशीन की जानकारी के लिए कॉल कर रहा हूँ। ये उन्होंने कहा कि वो आ गई है। बहुत बढ़िया जोजे, शायद वो दरवाजे पर ही हो। वो आ गई, मेरी कैंडी बनाने की मशीन आ गई। मैंने इसके लिए कितना इंतजार किया। जोजे, तुम्हारी ये मशीन काम कैसे करती है? ये बहुत आसान है, इसके एक तरफ फल डालो और दूसरी तरफ से कैंडी निकलती है। मजेदार है ना? अरे वाह, एक कैंडी बनाने वाली मशीन, हमें इसके निर्देश पढ़ने चाहिए। उसमें तो बहुत समय लगेगा, निर्देशों की किताब तो बहुत बड़ी है। हमें बस फल रखने हैं और बटन को दबाना है। यकीन नहीं होता, मैं हमेशा से यही मशीन चाहता था। अब क्या हुआ जोजे? अब हम और बनाएंगे। तीन मेरे लिए, एक तुम्हारे लिए, पांच मेरे लिए, दो तुम्हारे लिए। देखो यहाँ और भी बटन्स हैं। ये क्या करते होंगे? हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है। मैं बहुत सारे फल रख दूंगा और सारे बटन्स दबा दूंगा, फिर हम कैंडी वाली पार्टी करेंगे। मैंने चेतावनी दी थी, हमें निर्देश पढ़ लेने चाहिए थे। प्लीज कैंडी बनाने की मशीन, फिर से चल जाओ। इसे मुझ पर छोड़ दो। देखो इस लाल बटन के बारे में क्या ख्याल है? जोजे, लाल बटन सिर्फ इमरजेंसी के लिए ही बनाए जाते हैं। पर ये एक इमरजेंसी ही है, मुझे और कैंडी चाहिए। मुझे हमेशा से सिर्फ यही चाहिए थी। जोजे, और मेरा क्या? मुझे भी चाहिए थी। उप्स, मुझे माफ कर दो, इसका मतलब हमें और कैंडी बनानी पड़ेगी। वो आ गए। कौन आ गए जोजे? मेरे छोटे छोटे टमाटर। बहुत बढ़िया, पर तुम इनसे क्या बनाने वाले हो? मेरी पेपरोनी सॉसेज पिज्जा सॉस, मेरी मन पसंद। अरे वाह, मुझे पिज्जा पसंद है। किसे नहीं है, सही कहा ना? चलो चले। हमारे पास पिज्जा का डो है, अब हमें इसका रोल करना है। इसे रोल करना है। अब जब डो तैयार है, मुझे वो करना है जो पिज्जा बनाने वाले लोग करते हैं। अरे जोजे, मैं बताता हूँ इसे कैसे बनाना है। तुमने तो बना दिया छत वाला पिज्जा। वही जो हमें चाहिए था, जोजे फ्लेवर वाला पिज्जा। माफ करना जोजे,
अब टॉपिंग का समय है। ये रहे टमाटर। अब सबसे जरूरी चीज, पेपरोनी सॉसेज। अरे नहीं, सॉसेज खत्म हो गए। अब मैं क्या करूं? बिना सॉसेज के पिज्जा मैं कैसे बनाऊंगा? शांत हो जाओ जोसे, और भी चीजें हैं जो चिकन सॉसेज जितनी स्वादिष्ट होती हैं। चुकंदर वाला पिज्जा। चुकंदर नहीं, तरबूज वाला पिज्जा। ना 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 ना, इस वाले को तुम मना नहीं कर पाओगे, राजमा वाला पिज्जा। अरे बिल्कुल नहीं, मुझे वही वाला पिज्जा चाहिए। जोसे, हमारे पास सिर्फ यही है। मुझे पता है, मैं सॉसेज उगाऊंगा। रुको जोसे, पेपरोनी सॉसेज पेड़ों पर नहीं उगते। टडा! ये रहा लगभग पेपरोनी सॉसेज पिज्जा। टमाटर वाला पिज्जा। मुझे पता है कि चिकन सॉसेज पेड़ पर नहीं उगते, पर टमाटर तो उगते हैं ना। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मुझे अपना पिज्जा बहुत पसंद आया, मैं एक और बनाऊंगा, जोसे की रेसिपी। मैंने खाना खा लिया, अब मैं आराम करूंगा। हेलो जोसे, क्यों ना हम बादलों में आकार ढूंढें? बढ़िया, मैं तैयार हूँ, मुझे ये पसंद है। मुझे दिख रहा है एक दिल। ये दिल नहीं, ये एक बड़ी स्ट्रॉबेरी है। और वो वाली, देखो वो ईंट लग रही है। तुम्हें वो ईंटें लग रही हैं? नहीं, ये बहुत सारी लेयर्स वाला केक है। काश मैं एक ऐसा केक खा पाता। देखो वो तो शीप्स जैसे लग रहे हैं। बिल्कुल सही जोसे, वो शीप्स लग रही हैं। शीप्स को गिनते गिनते मुझे नींद आ रही है। बढ़िया, अब मैं हूँ कैप्टन जोसे। वो रहा बड़ा केक, चलो पूरी रफ्तार से। शुक्र है मैं बच गया। अरे नहीं, वेल के कारण केक गायब हो गया। आ? आ? आ?
अरे वाह, मेरा केक मेरे पास आ गया। तो ये रहा एक असली बादल वाला केक, मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। बचाओ जोजे, उठ जाओ। तुम सपने में हो। तुम आसमान में शीप्स गिनते गिनते सो गए थे। इसीलिए वो केक खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही है। तुम्हारी भूख जल्दी ही मिट जाएगी, जब तुम सो रहे थे तब मैंने कुछ बना लिया था। बढ़िया, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? हाय जोजे, ये देखो मेरे पास क्या है, इन्हें मैं खास तुम्हारे लिए लाया हूँ। अरे वाह, गाजर, स्वादिष्ट है। अरे नहीं, मेरी गाजरे, इन्हें वापस दो खरगोश। अरे अरे दोस्तों, हमें इन्हें बांट कर खाना है। मेरे पास एक आइडिया है, एक जिम खाने का आयोजन करते हैं और जो जीतेगा सारी गाजरें उसकी। जिम खाना, वो क्या होता है? ये एक प्रतियोगिता है जोजे। वाह, सुनने में तो मजेदार है। पहली प्रतियोगिता होगी एक सैक रेस, सबसे पहले पहुंचने वाला विजेता होगा। 3, 2, 1, भागो। बधाई हो, इसका विजेता है बनी। ये तो गलत बात है, इसके पास खरगोश के पैर हैं और मेरे पास जोजे के। शांत हो जाओ जोजे, अभी और भी प्रतियोगिताएं होंगी। दूसरी प्रतियोगिता है बड़ी स्ट्रॉबेरी को सबसे पहले कौन खाएगा। तैयार, 1, 2, 3, खाओ। क्या बात है जोजे, अब मुकाबला बराबरी पे है। आखिरी मुकाबला होगा रस्सा कशी, शुरू करो। बधाई हो जोजे, तुम जीत गए। जबरदस्त, मुझे मेरा इनाम दे दो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं जीता हूँ, ये सब मेरी है। खाने का समय। क्या हुआ जोजे? बनी रुको, हम सारी गाजरें बांट कर खाएंगे। बहुत बढ़िया जोजे, बांट कर खाने में ही ज्यादा मजा है। जोजे, तुम क्या कर रहे हो? मैं कैरेट सुगा रहा हूँ ताकि मैं एक स्वादिष्ट कैरेट केक बना पाऊँ, पर बुरी बात यह है कि इन्हें उगने में बहुत समय लगता है।
थोड़ा सब्र करो, हर छोटे पौधे को उगने में समय लगता है। क्या हुआ जोजे? यहाँ पर कुछ है। देखो मुझे क्या मिला। वाह, ये तो संदूक है। क्या ये खजाना हो सकता है? एक खजाना, दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कैंडीज। चलो पता लगाएं। अरे नहीं, ये खुल नहीं रहा। इसको अंदर ले जाकर खोलने की कोशिश करते हैं। कमाल हो गया, ये काम कर गया। इसके अंदर क्या है? खजाना? इसमें तो सिर्फ एक नोटबुक और एक पेंसिल है। एक विश नोटबुक। तुम्हारी विश पूरी होगी, तुम्हें मिलती हैं 3 विशेस। सिर्फ इमरजेंसीज में ही इस्तेमाल करें। वाह, मैं तो हमेशा से यही चाहता था। अब केक बनाने के लिए कैरेट्स के पूरी तरह उगने का इंतजार नहीं करना होगा। जोजे, इसमें लिखा है कि नोटबुक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाना चाहिए। कैरेट केक भी तो इमरजेंसी है। मैं अपनी विश ड्रॉ करूंगा, फिर इस नोटबुक को दूर रख दूंगा। अरे वाह, कैरेट केक बन गया। ये बिल्कुल मेरी ड्राइंग जैसा है। और इसका स्वाद है कुछ भी नहीं। ये तो अजीब बात है, जरा मुझे चखने दो। याक, नोटबुक ने तो गड़बड़ कर दी। इसने ड्राइंग की तरह एक खूबसूरत केक तो बना दिया, मगर स्वाद को भूल ही गई। अगर तुम अपना खुद का केक बनाओगे तो बेहतर रहेगा जोजे। सही कहा, ऐसा बेस्वाद केक तो किसी को भी नहीं चखना चाहिए, इसीलिए मैं अब ये बनाऊंगा। बनाओगे? मुझे लगा तुम कैरेट्स के उगने का इंतजार करने वाले हो। मैं उनके उगने का इंतजार करूंगा, पर ज्यादा देर तक नहीं। टाटा। और अब कैरेट्स कहाँ हैं? ये क्या है? जोजे, ये कैरेट्स नहीं, ये तो मेगा कैरेट्स हैं। नोटबुक समझ नहीं पाई कि मुझे क्या चाहिए, और अब मेरे पास पूरी जिंदगी के लिए कैरेट्स हैं। ये मुझे करने दो। जोजे, ये कैरेट्स तो घर को नीचे गिरा देंगी। बस यही बाकी था, मुझे सिर्फ कैरेट केक चाहिए था और मुझे कैरेट वाला घर मिल गया। हमें जल्दी करना होगा, इन्हें बाहर निकालना होगा। मुझे लग ही रहा था कि नोटबुक में कुछ गड़बड़ है। तुम्हें अपनी विशेस मिटानी होंगी। विशेस मिटानी होंगी? मुझे पता है। तुमने क्या बनाया जोजे? कहीं इससे कुछ और गड़बड़ ना हो जाए। एक इरेजर। उम्मीद है ये काम करेगा। जोजे, ये काम कर गया। क्या कोई कैरेट्स बची हैं? अरे वाह, इंतजार का फल मीठा होता है। कुछ
खाने का समय हो गया है। कपकेक्स। मुझे कपकेक बहुत पसंद है। ये रही रेसिपी बुक। कपकेक्स बनाने के लिए रेसिपी की किताब? मैं खुद कर लूंगा, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे बनाने आते हैं। तुम्हें यकीन है? चलो फिर कपकेक्स बनाएं। चलो शुरू करते हैं। अब करेंगे सबसे मजेदार चीज, आइसिंग। वाह, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम इन्हें चखेंगे। अब स्वादिष्ट। बस एक ही परेशानी है, ये बहुत छोटे हैं। हाँ? मुझे पता है क्या करना है। जादुई बूंदों से ये बड़े हो जाएंगे। पर जोजे, इस बुक में जादुई बूंदों के बारे में नहीं लिखा। ये किताब जोजे द बेकर को नहीं जानती, भरोसा रखो। एक बूंद तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारे लिए। देखो ये काम कर रहा है। उप, लगता है इसने सही काम नहीं किया। इधर वापस आओ। उप, अरे नहीं यार। जोजे ध्यान से। आई आई आई। ये तो बहुत ही समझदार हैं। मैं इनसे ज्यादा समझदार हूँ, मैं इन्हें पकड़ लूंगा। ये लो जोजे, शायद काम आए। अब वो मुझसे नहीं बच पाएंगे। उधर जोजे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, बाएं, दाएं। देखो मैंने एक पकड़ लिया। मेरी जादुई बूंदे। हाँ, मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। ओ हाँ, अगली बार मैं रेसिपी देखकर बनाऊंगा, वादा करता हूँ। अब से मैं अपने पेट की ही सुनूंगा। अब शुक्रिया जोजे। अब आज कैंपिंग का दिन है, आज मुझे टूटते हुए तारों को देखने का मौका मिलेगा। हाँ जोजे, बहुत मजा आने वाला है। और ये उल्का बौछार हजारों सालों में एक बार ही होती है। हजारों साल? फिर तो मैं इसे देखने का मौका बिल्कुल भी नहीं गवा सकता। देखो मैं अपने साथ क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल है। और मैं अपने साथ ये लाया हूँ। तड़ा। अरे वाह,
मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। अब बस हमें उल्का बौछार को देखने के लिए इंतजार करना होगा। अरे नहीं, ये क्या हो गया, मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। फिक्र मत करो जोसे, हम दूसरी ओर चलते हैं, वहाँ पर कोई बादल नहीं है। ओ हाँ, अब मैं देख सकता हूँ। हाँ, कितना सुंदर है, मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, उल्का बौछार। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ? वहाँ। क्या जोसे, वो सब तारे नहीं हैं, वो तो सिर्फ जुगनू है। अरे नहीं, वहाँ चलते हैं। ठीक है, हमें भागना होगा, मैं उल्का बौछार देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ये एक बढ़िया ठिकाना है, देखो सब कुछ एकदम सही है, मैं आग जलाता हूँ। ये आवाज कैसी थी, क्या ये कोई भालू था? नहीं नहीं, ये मेरा पेट था। मुझे भूख लगी है, हम मार्शमेलोस खा सकते हैं, मैं अंदर जाके ढूंढता हूँ। मार्शमेलोस, तुम कहाँ हो? वो वहाँ देखो, उल्का बौछार जो हजारों सालों में एक बार होती है। उल्का बौछार, जोसे जोसे, भागो भागो, उल्का बौछार जल्दी बाहर आओ। क्या, उल्का बौछार? अरे नहीं, ये तो खत्म होने वाली है। जल्दी से कुछ मांग लो। तुमने क्या मांगा? टाडा! जोसे, तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैं कुछ खाने आया था, मैं सोना चाहता हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही। मेरे पास एक आइडिया है, मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा और तुम्हें नींद आ जाएगी। बढ़िया, मुझे कहानी पसंद है, मैं तैयार हूँ। क्या तुम्हें कोई मजेदार कहानी मिली? सुबह होने ही वाली है और मैं अभी तक जाग रहा हूँ। मिल गई, ये एक अच्छी कहानी है। एक बार एक राजा था जो बहुत दूर एक किले में खजाना ढूंढने गया, पर उस किले में एक मॉन्स्टर रहता था। राजा उस मॉन्स्टर से लड़कर जीता और किले के अंदर दाखिल हो गया। अंदर एक बड़ा सा संदूक था। राजा ने उसे खोला और उसे खजाना मिल गया। वाह, बढ़िया खाना। जोसे, वो खाना नहीं, सोना था। सोना? कितनी बोरिंग कहानी है, जब खाना मिल रहा हो तो सोना किसे चाहिए? अगली कहानी। शायद इस कहानी से तुम्हें नींद आ जाए। एक बार की बात है, एक रहस्यमय घर था, लोग कहते थे कि वो जादुई था। एक दिन एक लड़के ने उस घर के अंदर जाने का फैसला किया। जब वो अंदर गया, उसे एक आवाज सुनाई दी और उसने जांच पड़ताल शुरू की।
जो कि उसे नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वहां एक भूत था जो बुरी चीजें करता था। वो भूत मेरा सारा खाना खा जाएगा। शांत रहो, वो ऐसा नहीं करेगा। पर अभी तो तुमने कहा कि वो बुरी चीजें करता है। अब मैं पूरी तरह जाग गया हूँ। इससे कोशिश करते हैं, शायद तुम्हें ये पसंद आए। एक बार एक किसान था, उसके पास कुछ जादुई बीन्स थी, जिनमें से निकला एक बड़ा सा पेड़। वो उस पेड़ पर चढ़ गया। और जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसे बड़ा रक्षक मिला। वो बड़ी बीन कहाँ है? जोजे, वहां बड़ी बीन नहीं थी, वहां था बड़ा रक्षक। बढ़िया, पर मुझे अभी भी नींद नहीं आई। और कोई कहानी है? पर अब मुझे नींद आ रही है। ये आखिरी कहानी होगी, और अब मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान था जो सोना चाहता था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। खैर, ये एक बोरिंग कहानी है। और रात को उसके पास कोई काम भी नहीं था। सूरज भी सो चुका था और हर तरफ शांति थी, और इसीलिए वो थक गया, बहुत ज्यादा थक गया, और उसे नींद आ गई। जोजे को बोरिंग कहानियों से ही नींद आती है। गुड नाइट जोजे।